नमस्कार, मैं राधिका अग्रवाल। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं रीट लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जी हाँ, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में विज्ञापित पदों से 2 गुना ज्यादा बच्चे सूचीबद्ध किए गए हैं। ये जो बच्चे हैं अपना रोल नंबर कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब रीट लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए डेट निर्धारित की गई है 5 जुलाई 2023 से 17 जुलाई 2023। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका कार्य शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपके द्वारा आवेदन फॉर्म में भरे गए गृह जिले में या फिर नजदीक की जिले में किया जाएगा। जो राजस्थान राज्य से बाहर के स्टूडेंट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीकानेर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट और जगह का जो सूचना है वो आपके द्वारा आवेदन फॉर्म में भरे गए नंबर और अपने ईमेल एड्रेस के द्वारा आपको दे दी जाएगी। इन केस अगर आवेदन भरते समय आपने गलत नंबर भर दिया है या फिर आपका नंबर बंद हो गया है या चेंज हो गया है तो आप बीकानेर निदेशालय जाकर अपना नंबर अपडेट करा सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शाला दर्पण के होम पेज पर जाकर स्टाफ सिलेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। वहां पर विंडो खुलते ही अध्यापक सीधी भर्ती 2022 पे आपको अपना आवेदन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए आगे की सूचना या जानकारी प्राप्त नहीं होगी। ये जो आपको जानकारी है वो आपके ईमेल और आपके फोन नंबर पर आपको आएगी, इसीलिए आप कंटिन्यू अपना मेल बॉक्स और अपना मैसेज बॉक्स और अपनी लॉगिन आईडी चेक करते रहें। अब इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। सबसे पहले तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल लेकर जाने हैं, साथ के साथ हर एक डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड की हुई लेकर जानी होगी। ये डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से होंगे, सबसे पहला आवेदन फॉर्म की कॉपी, दूसरा स्कूटी फॉर्म की कॉपी, अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित चेकलिस्ट, फोर्थ 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपके DLED डिग्री के सर्टिफिकेट, रीट का सर्टिफिकेट। इसके साथ अगर आपने आवेदन फॉर्म में कोई पर्टिकुलर अपनी डिग्री के बारे में लिखा है जैसे यूजी की डिग्री, पीजी की डिग्री या अन्य कोई डिग्री तो उसकी मार्कशीट भी आपको लेकर जानी होगी। साथ के साथ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का, जैसे कि अगर आप विधवा कैटेगरी या परित्यागता, भूतपूर्व सैनिक या अन्य किसी कैटेगरी से है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी होंगे ले जाने। अगर आपका सिलेक्शन, अगर आपका सूची में नाम किसी 2 विशेष पद के लिए या फिर 2 विषय में आपका नाम आया है जैसे कि सामान्य शिक्षा के लिए और विशेष शिक्षा के लिए, इन दोनों की सूची में अगर आपका नाम है तो प्रत्येक के लिए आपको हर एक डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपी लेकर जानी होगी, 2 सामान्य शिक्षा के लिए और 2 विशेष शिक्षा के लिए। इसके साथ अगर आपका दोनों विषय दोनों पद के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग अलग डेट पर है तो इसको चेंज करवाने के लिए आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। इसके साथ अगर आपको किसी भी तरीके की दस्तावेज सत्यापन हेतु अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हर एक जिले में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम का नंबर आप शाला दर्पण पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं और वहां से इस कंट्रोल रूम पर कॉल कर सकते हैं। कंट्रोल रूम पर कॉल करने का टाइम रहेगा आपका 9:30 बजे से 6 बजे तक। अगर आप किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं दस्तावेज सत्यापन हेतु तो आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।